रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को दी बड़ी राहत, रिवर्स रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। आरबीआई ने माना मार्च 2020 में निर्यात में भारी गिरावट, लेकिन कृषि क्षेत्र में अच्छे मॉनसून की वजह से हालात बेहतर रहने की उम्मीद। दिल्ली में एक दिन में सामने आने वाले मरीजों की संख्या में फिर हुआ इजाफा, 24 घंटे में 62 नए मरीज, अब तक कुल 1,640 लोग संक्रमित। राजधानी में 24 घंटे में वायरस से पीड़ित 6 लोगों ने गंवाई जान, 38 तक पहुंचा मौत का आंकड़ा। कोरोना की वजह से तेजी से बढ़ रहा है रेड जोन की संख्या, अब तक 7 इलाके हो चुके हैं सील। देश में कोरोना का कहर जारी, अब तक कोरोना के 13,387 मामले सामने आए। देश में कोरोना से अब तक 437 लोगों की मौत, 1,749 मरीजों ने कोरोना से जीती जंग। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 3,205 तक पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 194 लोगों की मौत, 300 कोरोना पीड़ित हुए स्वस्थ। मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस के 26 नए मामले सामने आए। एशिया के सबसे बड़े स्लम में अब तक 9 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। यूपी में भी कोरोना का कहर, अब तक 805 मामले आए सामने। यूपी में कोरोना से अब तक 13 की गई जान, आगरा में कोरोना के सबसे ज्यादा 167 मरीज। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना पीड़ित का आंकड़ा, अब तक 1,120 लोग कोरोना पीड़ित। मध्य प्रदेश में कोरोना ने अब तक 53 लोगों की ली जान, 64 मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना वायरस संकट के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी के बेटे निखिल की हुई शादी, शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम टूटा। गुजरात में कोरोना पीड़ितों की संख्या 930 हुई, अब तक 36 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 1,267 लोग कोरोना पीड़ित, 15 लोगों की मौत। तेलंगाना में 700 कोरोना पीड़ित, 18 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 534 मामले, अब तक 14 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना को लेकर सख्त हुई उत्तराखंड सरकार, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना, अंत्येष्टि और शादी समारोह के लिए DM की इजाजत जरूरी। दुनिया भर में 200 से ज्यादा देश कोरोना संक्रमण से बेहाल, 21,78,000 से ज्यादा मरीज, 1,45,000 लोगों की गई जान। कोरोना से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित, अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 6,76,000 के पार, 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा मौतें। कोरोना संक्रमण के बीच अमेरिका में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें तेज, ट्रंप ने गवर्नर्स को सौंपा 3 चरणों वाला रोडमैप। स्पेन में मरने वालों का आंकड़ा 19,000 के पार, अब तक 1,84,000 संक्रमित, 24 घंटे में 502 लोगों की मौत। इटली में भी हालात बदतर, 1,68,000 लोग बीमार, मरने वालों की संख्या 22,000 के पार, 24 घंटे में 525 मरीज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।